नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े और बाबरी विध्वंस में आरोपी रहे संतोष दुबे अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि संतोष दुबे भाजपा के विरोध में विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। संतोष दुबे ने सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष दुबे ने कहा कि इलाके में 5 साल में जो खाली ठाकुरवाद ही चल रहा है, कई लोगों के घर गिरवा दिए गए हैं। इसी के साथ कई और पुराने मुद्दों को लेकर उन्होंने राजनीतिक दलों को जमकर घेरा है। आप भी सुनिए कि संतोष दुबे ने क्या कुछ बयान दिया। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, आक्रोश जरूर है कि कार्यशोकों को पूछा नहीं गया, सैकड़ों लोग मारे गए थे उनको पूछा नहीं गया, उनके पास कोई गया नहीं। और हमारा तो जन्म राम काज के लिए हुआ था, हम लोगों ने पूर्ण किया, राम मंदिर बन रहा है। तो अब अगर चुनाव लड़ना है, पार्टी का आदेश ऊपर से आदेश है, तो क्या गुनाह है, लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ते हैं, कोई बुरा थोड़ी नहीं है। ये कोई, ये भी लोकतंत्र का एक तरीका है। तो हमें आदेश है और तमाम हिंदू संगठनों का भी ये निवेदन था। कल एक बड़ी बैठक थी जिसमें लगभग 500 से 550 लोग इकट्ठे थे, तो वो ब्राह्मण समाज के लोग थे। तो उन्होंने हमको जबरन बुला के कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। इतनी ब्राह्मणों की हत्या हुई उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इस पर इतने विधायक थे, 325 MLA थे, कोई नहीं बोला। तो आप जैसे मुखर लोगों की जरूरत है जो इस पर आवाज़ उठाएंगे, और आप चुनाव लड़िए, हम लोग जितवाएंगे, पूरा समाज, पूरे जनपद के लोग जुट करके आपको हम लोग सहयोग करते हैं, आप चुनाव लड़िए। तो एक दबाव है पब्लिक का, हम अपनी ओर से नहीं चाहते थे, पर लोगों की इच्छा है तो लड़ना पड़ेगा, वही तैयारी है मेरी। कोई वही संभल के विधानसभा 11 गुन्नौर के ग्राम कोहेरा में सपा नेता अखिलेश यादव की जनसभा हुई है। इस जनसभा में उन्होंने कहा कि विधानसभा गुन्नौर 5 सालों से बेहाल है, ना तो कोई शिक्षा, ना रोजगार और ना ही स्वास्थ्य में कोई भी बेहतर व्यवस्था की गई है। इसी के साथ नेता अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। इसी के साथ सपा नेता अखिलेश यादव ग्राम कोहरा सहित कई गाँव में भी पहुंचे और वहीं पर उन्होंने लोगों से डोर टू डोर संपर्क किया और वोट के लिए अपील की। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ करने का मन बना लिया है और गिन्नौर विधानसभा सीट से अजीत कुमार राजू यादव को हराने का मन बना लिया है। विकास, गिन्नौर का चहुमुखी विकास, गिन्नौर में रोजगार, गिन्नौर में नौजवानों को पुलिस में भर्ती, नौजवानों को नौकरी के मुद्दे लेके जा रहे हैं और देंगे। यूपी योगी जी ने कुछ किया ही नहीं, योगी जी गोरखपुर वापस लौट गए, टिकट में जाएंगे, मठ में जाके बैठ जाएंगे, 11 तारीख। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अमित शाह पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि अमित शाह ने किसानों का बार बार जाट कहकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही जयंत चौधरी ने कहा कि हम जितना किसान कहते हैं उतना ही अमित शाह ने उनको बार बार जाट कहकर पीड़ित करने की कोशिश की है। बड़ा गांव है, क्षेत्र का प्रभावशाली गांव है और यही जो है मथुरा से लगा हुआ पूरा क्षेत्र है। चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही, चौधरी अजीत सिंह जी का भरपूर सहयोग इस क्षेत्र ने किया और इसे मिनी छपरौली या दूसरी छपरौली के नाम से भी कहा जाता है। मैं आश्वस्त हूँ, क्षेत्र में लोग पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं और RLD को ताकत देना चाहते हैं, गठबंधन को ताकत। अच्छा सर, ये अमित शाह कह रहे हैं हमने जाटों को साधा है, सर इसमें क्या कहना है? जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार जाट जाट चिल्ला रहे हैं, हम जितना किसान कहते हैं उतना ही हमें सीमित करने की कोशिश। फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय पर आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। नारेबाजी के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की तादाद में आशा वर्कर मौजूद रही। बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर पिछले 56 दिनों से पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया है, जिसका रोष जताते हुए नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ यूनियन के प्रधान नरेश शास्त्री ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर हरियाणा सरकार इस प्रदर्शन के बाद भी आंगनवाड़ी वर्करों की मांग पर गौर नहीं करती तो सर्व कर्मचारी संघ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और आगे और जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। 8 दिसंबर से हड़ताल पे हैं, पहले 2018 में भी हमने हड़ताल करी थी और 8 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा करी थी कि वर्कर को कुछ
कुशल का दर्जा और हेल्पर को अर्ध कुशल का दर्जा दे रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें कुशल और अर्ध कुशल के दर्जे के दायरे में रहेंगी। लेकिन अब हमारी हड़ताल के दौरान 29 तारीख को हमारे 29 दिसंबर को फिर से वार्ता हुई मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने साफ मुकर गए, कह रहे मैंने आवेश में आके कह दिया, जब पूरे प्रदेश का मुखिया ऐसी बात करेगा तो और क्या हाल होगा। जो 56 दिन से हेल्पर और वर्कर जो आंगनवाड़ी की हैं उनकी हड़ताल चल रही है और हरियाणा की सरकार बातचीत के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय इन वर्करों पर हेल्परों पर मुकदमे बनाने में इनकी बर्खास्तगी करने में लगी है, जिसका पूरे प्रदेश का कर्मचारी आज विरोध कर रहा है और सभी जगह पर हम ये प्रदर्शन करके सरकार को बताना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर को अकेला ना समझे हरियाणा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मार्केट में फैली अव्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर नगर निगम एक्शन में दिखाई दे रहा है। नगर निगम के आला अधिकारी एसीपी मनीष और एसएचओ ट्रैफिक के साथ एनएचआई की पूरी टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। बता दें कि बल्लभगढ़ के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार यादव ने अतिक्रमण को लेकर सख्ती बरती है। उन्होंने कहा कि हम उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर अतिक्रमण होता है और उन दुकानों को सील करने की कार्यवाही भी की जाएगी। जो दुकानदार अतिक्रमण करते हैं उन पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कोई मेनू नहीं देख रहे हैं कि कोई एक जगह निर्धारित की जाए जहां से जैसे जैसे किसी को पता लगे, जैसे आमतौर पर देखा गया सड़कों पर ठेले लग जाते हैं, ठेलों के बाद ऑटो रिक्शा आ गया, ऑटो रिक्शा के बाद वहां पे बस निकलने के लिए और ऊपर ट्रैफिक और है, तो उन संबंधित जगहों पे जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बढ़ जाता है, उसी को सिस्टमलाइज करने के लिए जो खाली जगह कहीं पे है तो वहाँ से कोई इनकी जो है एक ऐसी सुविधा बना दी जाए जिससे ना तो इनको तकलीफ हो ना लोगों को जो तकलीफ हो और जो व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए मौके पर आए आज। बिल्कुल वो देखी जाएंगे, अभी जॉइंट कमीशन साहब की तरफ से ही हम एरिया देख रहे हैं कि कहाँ पर हम जगह बना सकें। आपको पता होगा हम लोग पिछले 3 महीने से प्रयासरत हैं, इसके लिए हम लोगों ने एक समय समय पर हर मंगलवार के दिन मीटिंग भी की है। जितना भी ये रोड सेफ्टी के संबंध में जितना भी ये बल्लभगढ़ के फ्लाईओवर के नज़दीक साथ लगता एरिया है उसके अंदर व्यवस्था नहीं है बन पा रही है, यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, जाम की समस्या रहती है, बस वाले जहाँ रोकना चाहिए वहाँ नहीं रोक रहे, ऑटो वाले हर कहीं रोक रहे हैं, फड़ी वाले रेडी वाले मार्केट वाले कहीं पर भी आ रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत है। और इसके लिए आज एसीपी महोदय को, एसएचओ ट्रैफिक को, एनएच की टीम को, बस अड्डे के स्टाफ को, मेट्रो को, इन सबको आज बुलाया गया था कि आज हम फील्ड की विजिट करेंगे, देखते हैं क्या कहाँ क्या कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके ऊपर आज ये पूरी वार्तालाप हो रहा है, मौके का देख के रीडिंग ली जा रही है और एसीपी महोदय इसी के लिए पधारे हैं आज। वहीं बांदा पे भाजपा प्रत्याशी अजय पटेल ने बरेरू विधानसभा से नामांकन कराया है। भाजपा ने विधायक चंद्रपाल कुशवाहा का टिकट काटकर अजय पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशी सादगी के साथ अपने 2 समर्थकों को लेकर नामांकन स्थल पर पहुंचे। वहीं युवाओं के रोजगार पर अजय पटेल बोले कि युवाओं के लिए पहले प्राथमिकता रोजगार है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि 350 सीटें जीतकर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। मुद्दे मैंने अभी बताया है कि मेरा पहला मुद्दा है कि मेरे जो युवा साथी हैं जो लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी विधानसभा का युवा मेरे साथ हमेशा रहा है, उनके लिए रोजगार बेरोजगारों के लिए काम करूंगा। और जो गौवंश की समस्या है विधानसभा के अंदर, उसको चूंकि हमने योजनाएं दी है, गौवंश गौशाला बनाने का काम किया है, हर ग्राम पंचायत में गौशाला के लिए बजट जा रहा है, पैसा जा रहा है, जहाँ जो कमियाँ होंगी उनको दुरुस्त किया जाएगा और सुचारू रूप से गौवंश का संरक्षण किया जाएगा, उनका पालन किया जाए और किसान की सुरक्षा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 350 माननीय योगी जी की माला में मोती जुड़ने वाले हैं। वहीं अयोध्या में 5वें चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में 5ों विधानसभा के नामांकन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश पांडे ने नामांकन स्थल पर बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कंट्रोल रूम का स्थलीय निरीक्षण भी किया। नामांकन स्थल पर 22 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
एसएसपी शैलेश पांडे ने नामांकन करने वाले लोगों से अपील की है कि वे चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करें, इसी के साथ ही कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करें। हम सभी अवगत हैं कि विधानसभा चुनाव पंचम चरण में जनपद अयोध्या में 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, उसको लेके कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसको लेके व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वो आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और कक्ष के बाहर की सुरक्षा है। साथ ही साथ हमारी मोबाइल ड्यूटियाँ शहर में, देहात में जो कैंडिडेट नामांकन के लिए आएंगे, वोट में कहीं किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए व्यवस्था। नामांकन केंद्र में सभी कक्षों का भ्रमण कर लिया गया, वहाँ पे बाहर जो है बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं चेक कर ली गई हैं, प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो फोर्स की डिप्लॉयमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आवश्यक है वो सब इंस्टॉल कर लिया गया है। आगे जो फोर्स की है प्रॉपर ब्रीफिंग की जाएगी। सभी कैंडिडेट्स से यही अपील की जाती है कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के जो गाइडलाइंस है नामांकन को लेकर उनका शत प्रतिशत पालन करें और साथ ही साथ कोविड को दृष्टिगत रखते हुए जो आवश्यक कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएं। वहीं अलीगढ़ के कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के सेंटर पॉइंट के बीच बाजार में चलती बाइक पर व्यापारी की बाइक पर रखे 9 लाख रुपए की गड्डियों को फटते ही वो सड़क पर बिखर गई। आपको बता दें कि बीच सड़क नोटों की गड्डियां बिखरने की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवार को चेकिंग के दौरान 9 लाख रुपए के साथ पकड़ लिया है। सड़क पर बिखरे 9 लाख रुपए पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम अर्षद है। क्या कारोबार करते हो? मंडी का कारोबार है फल का मेरा। तो ये पैसा कहाँ से आया? बैंक से निकाल कर लेकर आया हूँ अभी। इतने पैसे की जरूरत इलेक्शन में कैसे पड़ गई? सर इलेक्शन में क्या, सर मुझे मंडी में पैसे बांटने हैं माल के। तो यहाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ? यहाँ तो मैं लेकर जा रहा था, थैला फट गया मेरा, उसमें से गिर गए कुछ रुपए, सर ने देख लिए। फिर अब क्या हो रहा है? अब सर ये गिन रहे और मैं क्या बताऊँ सर, अब क्या हो रहा है? जब्त हो गए तुम्हारे पैसे? सर जब्ती समझ लीजिए अभी। तो स्टेटमेंट है तुम्हारे पास? बिल्कुल स्टेटमेंट है, एक नंबर का। मैं अभी निकाल कर लेकर आया हूँ ICICI बैंक से। क्यों निकाले थे इतने पैसे? मुझे सर माल के पैसे देने हैं। सर ये सेंटर पॉइंट पर 9 लाख रुपया पकड़ा गया, क्या मामला है? अभी FST टीम द्वारा विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए यहाँ चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान उनके द्वारा एक बाइक से 9 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसमें अभी उनके द्वारा जांच की जा रही है FST टीम द्वारा और उनके स्टेटमेंट वगैरह चेक किए जा रहे हैं और जो फर्म है उनको भी बुलाया गया है, उनसे भी जानकारी की जाएगी, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई होगी। अगली खबर चंदौली से है, जहां पर चोरों ने बैंक से ताले तोड़कर आपको बता दें करोड़ों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 48 घंटा बीत जाने के बाद भी पुलिस को पूरे मामले का कोई भी सुराग नहीं मिला है। बता दें कि यह मामला SCP आवास से कुछ दूर पर स्थित NH2 इंडियन बैंक का बताया जा रहा है, जहां चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले में आज से नामांकन शुरू हो गया है। DM नितिन बंसल ने नामांकन स्थल अफीम कोठी का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए कि किसी भी प्रत्याशी को केवल 2 वाहन तक नामांकन स्थल के बाहर लाने की अनुमति रहेगी। साथ ही 2 वाहन से अधिक काफिला लेकर चलने पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही होगी। इसमें 3 टायर हमारे बैरियर की व्यवस्था करी गई है। परिसर के बाहर 3 जगहों पर बैरियर लगाए गए हैं। 100 मीटर के दायरे तक ही वाहन अलाउ किए जा रहे हैं। इस बार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार केवल 2 ही वाहनों से कैंडिडेट जो भी अपना पर्चा दाखिल करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। उससे ज़्यादा वाहन 100 मीटर की दूरी पर भी अलाउ नहीं किए गए हैं। अभी तक कोई भी रैली जुलूस की अनुमति नहीं दी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग जिस तरीके से आगे निर्देश जैसे जैसे वहाँ से प्राप्त होंगे वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। हर नामांकन कक्ष पर अलग से पुलिस की भी व्यवस्था करी गई है और सभी जो प्रत्याशी हैं उनको भी आज पहले दिन ज़्यादातर प्रत्याशियों द्वारा अपना जो नामांकन प्रपत्र हैं उनको लिया जा रहा है और धीरे धीरे आने वाले समय में और भी नामांकन प्रपत्र जो आएंगे प्रत्याशी वो अपना कोविड के नियमों का पालन करते हुए, उनसे ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि वो सभी नियमों का पालन करते हुए ही अपने पर्चे दाखिल करें। ठीक है प्रताप साहब, प्रतापगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जिले में आज से नामांकन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। वहीं नामांकन को लेकर जो तहसील
कह सकते हैं जिलाधिकारी ने तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें किसी के साथ ही पुलिस कर्मियों को भी दिशा निर्देशित किया गया है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी की गई है उसी के अनुरूप प्रत्याशी अपना नामांकन करने के लिए आए। इसी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय पर कर ली गई है। इसके साथ ही भारी सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है जिससे कि किसी भी हाल में अराजकता न फैले। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रतापगढ़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जिलाधिकारी मौके का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर नामांकन स्थल की जायजा लेते हुए जिलाधिकारी आप देख सकते हैं, उनके साथ में भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद था। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।